हो आप, ईश्वर की कृपा से आप सब अपने अपने स्थानों पर कुशल मंगल होंगे। मैं लता शर्मा अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये मेरे पास जो है 2 मीटर बॉटम सलवार का पीस है, आप चेक कर सकते हैं। और मैं इस 2 मीटर कपड़े में ही एक सीमी पटियाली सलवार और हमारी जो ऊपर को जहाँ से हम पोंचे बनाते हैं वहाँ से हमारी सलवार ऊपर को कैसे उठती है उसकी कटिंग बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हमने कपड़े को उल्टा करना है इस तरह से और डबल लहर में लेना है। हम सलवार की कटिंग इस तरह से करेंगे कि हमारे जो है 2 मीटर कपड़े में भी सीमी पटियाली सलवार की कटिंग हो जाएगी। देखिए इस तरह से हमने डबल लहर में डाल दिया है और इसकी जो लेंथ है हमारे पास 35 है, 7 इंच की हम इसमें 35 है और उसमें प्लस 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन जो है कपड़ा लेंगे, यानी कि 37 जो हमने सलवार की कटिंग करनी है, जिसमें से 7 इंच की हमारी बेल्ट निकलेगी और 30 इंच जो हम पट्टा लेंगे जो फ्रंट का है। तो हमारे पास जहाँ पर 30 आ रहा है वहाँ पर हमने इस तरह से इसमें मार्क लगा देना है। यहाँ पर हमारा 30 आ गया है तो हमने इसमें मार्क लगा दिया है, तो हमने इस कपड़े को सीधा काट लेना है। आप देख सकते हैं हमने पट्टे के लिए कपड़ा अलग से काट लिया है और जो बचा हुआ वो साइड में कर दिया है। अब हमने इसमें जो ये हमारा कपड़ा है इसमें हमने बेल्ट के लिए भी बेल्ट साथ में ही निकाल देनी है और जो बचेगा उससे हमने पट्टे निकालने। जहाँ पर हमारा 7 इंच आ जाएगा वहाँ पर हमने अच्छे से इसमें मार्क लगा देना है। आप देख सकते हैं हमने बेल्ट का इसमें मार्क लगा दिया। साथ में हमने जो बेल्ट की कटिंग किस तरह से करनी, जैसे हमारे पास हिप जो है, हिप हमारे पास इसमें जो है 20 है 40 है, तो उसमें प्लस 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। 1 2 3 जहाँ पर हमारा 23 आ जाएगा वहाँ पर हमने इसमें बेल्ट में, ये देखिए ये हमारी इसी के साथ बेल्ट की कटिंग हो जाएगी और जो एक्स्ट्रा है इसकी भी हम अलग से कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे और जो यहाँ पर एक्स्ट्रा है इसकी भी हम इस तरह से कटिंग करेंगे। इस तरह से ये हमारा बेल्ट के लिए निकल गया और जो ये है ये हमारा पट्टे, 2 पट्टे निकल गए सलवार के, इन्हें हमने अलग कर देना है। अब हमने इसकी चौड़ाई देखनी है। तो आप देख सकते हैं चौड़ाई में जो है हमारे पास जो है 6.5 इंच है, यानी कि हमने इसमें तैयार 5.5 इंच रखना है, तो पूरा पूरी जो हमारे पास इसमें लेंथ है इसे भी हमने साइड में कर देना है। अब हमारे पास जो कपड़ा बचा है उससे हमने इसमें कली निकालनी है, इसे हमने डबल लहर में ले लेना है। और इसमें एक ध्यान हमें हमेशा रखना होता है कि जब भी हम इसमें कलियों की कटिंग करेंगे तो हमारा कन्नी साइड साइड को आनी चाहिए, तो इसी तरह से हमारी इसकी कटिंग होनी चाहिए, आड़े में हमारी बिल्कुल भी कटिंग नहीं होनी चाहिए। पहले अच्छे से हमने कपड़े को इस तरह से बिछा लेना है। अब हमने इसकी लेंथ देखनी है, पट्टे की लेंथ हमारे पास 30 थी तो इसमें हमारी कलियों की जो है वो भी 30 ही होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने इसमें जहाँ पर हमारा 30 आ रहा है वहाँ पर हमने इसमें, चाहे आप यहाँ से ले लें, यहाँ पर हमारा 30 आ रहा है तो यहाँ पर हमने मार्क लगा दिया 1/2 इंच। हमारा 1 इंच लिया हमने यहाँ से, 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा और 1/2 इंच यहाँ से। अब यहाँ से हमने बिल्कुल टेढ़ा नहीं लेना है, हमने इसमें उठने वाली सलवार पीछे से बनानी है, तो हमने इसकी कटिंग भी सेम इसी तरह से करनी है। दूसरी साइड से भी हमने यहाँ पर जो है, यहाँ से हमने इस साइड से इसकी मेजरमेंट लिया है, तो दूसरी साइड से हमने इस साइड से जो है
जहां पर हमारा 30 आ रहा है वहां पर हमने इसमें मार्क लगा देना है। इस तरह से हमने इसमें 1 इंच से ज्यादा मार्क नहीं लगाना है। दोनों साइड हमने मार्क लगा दिया। अब हमने इन कपड़ों को इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा इसमें आना चाहिए। अब यहां से हमने जो है जहां पर हमने मार्क लगाया है वहां से दूसरे मार्क की तरफ हमने जहां पर हमारा दूसरा मार्क है वहां तक हमने इसमें अच्छे से निशान लगाना है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं हमने यहाँ से जो है इस तरह से थोड़ा बढ़ाकर नहीं लेना है, इसमें बिल्कुल सीधा ही लेना है। यहाँ से देखिए यहाँ से बिल्कुल हमने इस तरह से थोड़ा सीधा लिया हुआ है, टेढ़ा नहीं लिया हुआ है। अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है। जहाँ से हमने इसमें ये देखिए यहाँ से हमने इसमें मार्क लगाया हुआ है, मार्क दिख नहीं रहा है, ये देखिए जहाँ पर हमारा 30 आ गया वहाँ से हमने मार्क लगाया है यहाँ पर, और दूसरी साइड भी हमारा जहाँ पर 30 आया ये देखिए यहाँ पर हमारा 30 आया यहाँ से हमने इसमें मार्क लगाया, पूरे में हमने इसमें अच्छे से मार्क लगा दिया। अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है। दोनों साइड से हमने कलियों की कटिंग कर दी। अब हमने इन्हें बिल्कुल सीधा रखना है। अब इसमें क्योंकि हम थाई की कटिंग करेंगे जो हमने अभी तक की नहीं है, इस तरह से इन्हें जो है बिल्कुल डबल लहर में अच्छे से इस तरह से बिछा लेना है। चारों कली हमारी एक बराबर होनी चाहिए। यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से जो है अंदर को कटिंग की हुई है, ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं एक साइड से कली बढ़ी है। इससे क्या होता है ये हमने आधा जैसे हमने आप देख सकते हैं इसमें मार्क मैंने ये देखिए यहाँ से लगाया हुआ इसमें मार्क 1 इंच जो अंदर को काटा हुआ है जिससे 2 इंच अंदर को चल गया। इससे क्या होगा इससे हमारी जो प्लेटें हैं वो अंदर को डलेगी और अच्छी प्लेटें लगेगी इसमें हमारी। अब हमने यहाँ पर जो इसमें जहाँ जितना हमने इसमें थाई रखना है उतनी इसकी हमने कटिंग कर देनी है। यहाँ से हमने थाई जो है बिल्कुल सीधा लेना है और ये देखिए आप देख सकते हैं एक हमारा 8 इंच आ रहा है और एक 9 इंच आ रहा है। ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें 1 इंच 8 इंच आ रहा है 9 इंच जो हमारा 8 इंच आ रहा है वो हमने अंदर को जहाँ पर अंदर से हम प्लेटें डालेंगे उस इस आसन को हम अंदर की तरफ लेंगे और ये वाला जो हमारा बैक की तरफ आएगा इससे हमारी बिल्कुल परफेक्ट सलवार की कटिंग हो जाएगी। और यहाँ से जो है हमने ये देखिए ये बैक का है इसमें हल्की हल्की गोलाई डालकर इसी के साथ यहाँ पर मिला देना है इस तरह से और इसकी कटिंग कर देनी है। इस तरह से आप देख सकते हैं बिल्कुल कम कपड़े में भी हमने जो है इसमें सीमी पटियाला सलवार निकाल दी है। और आप इसकी चौड़ाई देख सकते हैं यहाँ से आप ये देखिए यहाँ से लेंगे इसकी इसका मेजरमेंट तो यहाँ तक आप देख सकते हैं 32 के अबव ये देखिए यहाँ पर 32 आ गया है इसकी चौड़ाई जो कलियों की है और ये एक्स्ट्रा पट्टा अलग है तो इसमें ये हमारी बिल्कुल सीमी पटियाला बनेगी सलवार। और यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से हमने इसे बिल्कुल भी यहाँ पर जो टेढ़ा नहीं लिया हुआ थोड़ा खड़ा लिया हुआ है। जब मैं सिलाई डालूंगी तो मैं बताऊंगी किस तरह से ये हमारी ऊपर उठेगी यहाँ से सलवार किस तरह से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।